चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज की हमारी क्लास है क्रम व्यवस्था की, ठीक है, रैंकिंग सिस्टम की। आपके सीजीएसआई का जो सिलेबस है, रीजनिंग का 5वें नंबर पॉइंट पे दिया गया ऑर्डर रैंक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन देखते ही आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छटा हूं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो बताइए, आप लोग दोनों सिरे ग्यारह रहेंगे तो कुल कितनी संख्या होगी? ग्यारह ग्यारह 11 बीस 11। दस 10 राइट आंसर आप लोगों को 11 लग रहा है, अच्छी बात है। देखो यहां से अगर मैं पंक्ति की बात करता हूँ, ये एक सिरा है पंक्ति का और एक सिरा ये है, यहां से मैं छठवां नंबर का हूँ, मान लीजिए ये नंबर छठवां है, तो मेरे पहले कितने व्यक्ति होंगे? 5 व्यक्ति होंगे, ठीक है। यहां से मैं छठवें नंबर पे हूँ और पीछे से मैं काउंट करता हूँ तो भी मैं छठवें नंबर पर ही हूँ, ठीक है। मतलब मेरे इधर भी 5 व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो मेरे 5 व्यक्ति इधर खड़े हुए हैं और 5 व्यक्ति इधर खड़े हुए हैं और बीच में मैं स्वयं खड़ा हूँ। तो 5, 5, 10 और बीच वाला मैं स्वयं 11, कितने हो गए? 5 प्लस 1 मतलब कि 11। एक ऐसे जोड़ सकते हैं, या तो इधर से भी 6 हूँ और इधर से भी 6 हूँ, क्या कर सकते हैं, 6 प्लस 6 माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हैं, तो भी आपको 11 ही मिलेगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। आपके हिसाब से जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप लोग रीजनिंग का सवाल है कर सकते हैं। इसके लिए आपके रीजनिंग की बुक में कुछ फॉर्मूले वगैरह भी दिए होंगे, चाहे तो याद करें, नहीं याद करेंगे तो भी ये बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है आपका, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 21 बिल्कुल उसी प्रकार से प्रश्न है, किसी भी छोर से शुरू ठीक करने पर, है ना। मान लीजिए इस छोर से गए, आप यहां पे खड़े हैं, आपका नंबर है 21वां, तो मतलब आपके पहले, सॉरी 11वां है, आपका नंबर कितना है? 11वां, तो मतलब आपके पहले कितने लोग खड़े हैं? 10 लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और आप इधर से अगर गिनती आपकी चालू होती है तो भी आप क्या कितने नंबर पे हैं? 11वें नंबर पे हैं, मतलब आपके इधर और 10 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो पूरी पंक्ति आपने बना लिया, 10 इधर से काउंट करते तो 10 यहाँ खड़े हैं, 11वां नंबर मेरा है, इधर से काउंट करते 10 खड़े हैं, 11वां नंबर मेरा है, 10 इधर खड़े हैं और 10 इधर खड़े हैं, ठीक है। 10 प्लस 10 20 हो गए, और प्लस एक मैं स्वयं हूँ, कितने हो गए? 21। 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा नंबर है? 21 ये वाला। सभी को समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत लोग इसको पहले बना भी चुके होंगे, लेकिन फॉर्मूले वगैरह से बनाए होंगे तो बिना फॉर्मूले के आराम से आप लोग कर सकते हैं। किसी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है, ठीक है, मतलब टॉप से देखते हैं ऊपर से, जो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, एक जो प्लेयर है उसका रैंकिंग बता रहा है, टॉप से 8वां रैंक है उसका, मतलब 8th नंबर पर है, ठीक है, और नीचे से 84th रैंक है उसका, नीचे से कितना नंबर है? 84th रैंक है। तो प्रतियोगी की कुल संख्या कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसको बताइए थोड़ा सा दिमाग लगा 91 करके, काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, जैसे बताया 91 वैसे ही जोड़ना है आपको, ठीक सर है। जब 91 आ रहा है 91 आया एक आंसर, और कोई? कॉपी पेन लेके बैठेंगे, लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं आप लोग? ऐसे नहीं करेंगे कि मैं जब आंसर लिखूंगा तभी आपका आंसर आएगा। क्या ठीक है, चलिए देखते हैं, ये टॉप है, ठीक है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति होगा पहले नंबर पे होगा, लेकिन कहा जा रहा है आपसे टॉप पे 8वां नंबर है आपका, ठीक है। टॉप से काउंट करते हैं, मान लीजिए आपका 8वां नंबर है, 7 लोग आपके ऊपर है, ठीक है। अब यही जो रैंकिंग है, अगर नीचे से हम लोग, मान लीजिए बॉटम की रैंकिंग यहाँ है, तो अगर नीचे से हम लोग काउंट करते हैं तो नंबर कितना है? 84वां है। अगर आप नीचे से काउंट करते हैं तो आप 84th रैंक में हैं, ठीक है। कहने का मतलब आपके नीचे कितने रैंक आदमी खड़े होंगे? 83 लोग नीचे बैठे होंगे आपके, तभी तो आपको 84वां रैंक रहेगा। तो 84वां रैंक और 8वां रैंक, ये दोनों एक ही नंबर होते हैं, ठीक है। ऊपर कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ठीक है, और नीचे में कितने लोग हैं? 83 लोग हैं और एक आप स्वयं हैं। सभी को जोड़ लीजिए, 7, 3, 10 और 1, 11 का एक रहेगा, और 8 और 1, 9, टोटल कितने लोग हैं पंक्ति में? 91 लोग। सभी को समझ में आया?
जी देखो जिसको डाउट होगा वो अपना माइक ऑन कर लेंगे, जिसको पूछना होगा माइक ऑन, एक और यहाँ पर बार कोई डाउट भी सर, एक बार प्रकार की अनवांटेड नॉइज आप लोग क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ सभी का माइक म्यूट कर दे रहा हूँ। सर राहुल गांधी का माइक म्यूट हो गया था संसद में, वैसे ही करना पड़ेगा मेरे को भी आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है ये। चलिए रैंकिंग में बहुत सिंपल सिंपल इसी प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अगला प्रश्न ले लीजिए, यह आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखेंगे। राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है, मतलब राहुल लड़का है क्लास में टॉप से ऊपर, मतलब होता टॉप से 9th रैंक है उसका, तथा तो नीचे से 38th रैंक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? सभी लोग आंसर बताइए, आराम से समय लेकर तो बताइए। 46 जी सर, 46 46 प्रिया राठौर जी, कितना है आंसर आपका? सिक्स प्रिया राठौर जी, कितना आंसर है? देखो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं ना, सभी का तो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है? नगमा गोयल जी आप बताइए, आंसर बता रहे हैं आप? आंसर ऑप्शन बी, ठीक है? देखो ऊपर से आपका 9वां स्थान है, मतलब आपके पहले यहाँ पे 8 लोग बैठे होंगे तभी आपका 9वां स्थान होगा, ये ऊपर से बात हो रही है, 8 लोग उधर बैठे हुए हैं, ठीक है? नीचे से 38वां स्थान है आपका, 37 लोग आपके नीचे बैठे होंगे, ठीक है? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डायग्राम बना दूंगा, बता दूंगा, बाद में पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, बाद में आप कभी खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? सभी को जोड़ लीजिए, 8 और 1 9 37, 37 और 9 कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 46 लोग हैं टोटल उस पंक्ति में, ठीक है? चलिए सभी को क्लियर होगा, होप सो, इसको भी डाउट होगा वो पूछेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 80, ठीक है? एक लड़के की योग्यता श्रेणी में 43वां स्थान है, 43 है, ठीक है? तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा? मतलब ये 43 जो रैंक है ये ऊपर से बताया गया है, आपको ये बताना है टोटल नंबर अगर 80 है तो नीचे से कितने नंबर होंगे? अड़तीस 38 38 सर, 37 सर, ठीक है, 37 आंसर आ रहा है। टोटल 80 पहले आपको बता दिया गया यहाँ पर, ऊपर से आपका 43वां नंबर है, ठीक है? नीचे से आप सर, रैंकिंग बताइए, ये तो और सिंपल रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग अगर नंबरिंग की बात करता हूँ, कुल कक्षा में टोटल कितने हैं? 80 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? तो आपका ऊपर से आपका रैंक कितना है? 43वां स्थान है, ऊपर से कितना रैंक है श्रेणी में? ऊपर से 43वां, तो यहाँ के बीच मान लेते हैं आपका 43वां स्थान है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पहले 42 लोग बैठे होंगे और एक आप 43वां हैं, ठीक है? तो नीचे कितने बचे हैं आपके, नीचे कितने बैठे हुए हैं? ठीक 37 है, 80 में से आप 43 को घटा दीजिए तो नीचे हाँ कितना बचा हुआ है यहाँ पर, ये 7 में 3, 37, 37 लोग बचे हैं। देखो टोटल 80 हो गया ना, 43 ऊपर और नीचे में 37, दोनों को जोड़ेंगे तो 80। लेकिन जब नंबर काउंट करेंगे नीचे से तो 37 नीचे बैठे हुए हैं और आपका नंबर कितना आएगा यहाँ पर? 38वां रहे, आपका नंबर नहीं 38 आएगा, 38वां रहेगा यही आपने लिखा है, ठीक जी। है? ऊपर से 43वां हो गए, अब दोनों को जोड़ेंगे नहीं, ऊपर से 43वां है और नीचे से कितने रहेंगे आप? 38वां, ठीक 38 है? तो अगर आप इसको जोड़ेंगे 8 3 11 हो जाएगा, और हाथ पे 4 1 5 और 5 3 8, टोटल कितने हो जाएंगे? 81। लेकिन नंबर कितने हैं टोटल स्टूडेंट? 80 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तो ऊपर से भी आप गिन लिए गए हैं 43वें स्थान पर और नीचे से भी आप गिन लिए गए हैं 38वें स्थान पर। तो जब भी ऐसा आएगा डायरेक्ट कैसे करेंगे? टोटल 80 था,
ऊपर 43वां स्थान है, तो कितने बचे नीचे? ठीक है, 37 बचे, अगर देखेंगे तो स्थान 38वां रहेगा, तो आप चाहो तो 37 बचा सकते हो, तो आपके यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप डायरेक्ट 80 लिखिए, उसमें से 43 को, 43 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 37, और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38वां। ठीक है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जोड़ेंगे तो आपका 81 आ जाएगा, तो माइनस 1 वहां से करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को ये डायग्राम वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है, मैं कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच करके ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बनेगा, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है रैंकिंग के लिए मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखेंगे, एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है। ठीक है, जब स्टार्ट करेंगे प्रारंभ से, तो जो बीच में लड़की बैठती है उसका नंबर कितना? 9वां है। जब अंत से देखेंगे तो बीच वाली कौन से स्थान पर होगी? देखो टोटल कितनी लड़कियां हैं, 17 है। ठीक है, टोटल कितनी है? 17 अच्छा है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब जब इधर से स्टार्ट करते हैं, तो जो बीच में लड़की बैठती है उसके 9वां रैंकिंग है। कितना रैंकिंग है? 9th है। ठीक है, तो मतलब इसके पहले यहां से स्टार्ट करते हैं ना, प्रारंभ ये है हमारा, ये क्या है हमारा प्रारंभ है। यहां से जब 8 लोग बैठे होंगे, तभी तो बीच वाली लड़की का 9वां नंबर आएगा। 8 और 1 9 हो गया, टोटल 17 है, तो बचे कितने हो गए हमारे पास? 8 और बचे हैं ना इधर भी। आठ ठीक है, तो अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो उसका नंबर इधर से भी अगर काउंट करेंगे तो 8 यहाँ बैठे हैं, इधर से भी क्या रहेगा? 9वां ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 9th। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। तो नौवां टोटल कितने हैं? 17। 17 का बीच, 17 मतलब कितना? टोटल 17 है ना, तो बीच वाला 9वां है, तो इधर 8 बैठे हैं। ठीक है, और इधर भी 8 बैठे हैं, तो 8 इधर और 8 इधर, 16, बीच वाला जो है वो 17, कुल 17 हो गए। जब इधर से काउंट करोगे तो भी 9वां रहेगा, और इधर से जब काउंट करोगे तो भी ये 9वां ही रहेगा। और कुल कितने हो गए हैं? 8 इधर बैठे हैं और 8 इधर बैठे हैं, 16 हुए, और बीच का एक 17। ठीक है, समझ कुछ समझ में आ रहा है? चलिए जी है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, 37 विद्यार्थियों की कतार में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है। ठीक है, कुल 37 विद्यार्थी हैं, टोटल नंबर ऑफ 37 है, उसमें एक लड़की का नाम है राधा और एक लड़की है सरोज। ठीक है, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो अगर इन लोग स्थान देखते हैं इनका, तो एक का 10वां है और एक का 16वां है, अंतिम छोर से उनका स्थान कौन सा होगा? तो राधा कौन सा होगा, सरोज कौन सा होगा, कोई बताना है? चलो बताओ इसको आप लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर टफ क्वेश्चन आएगा एसआई में, तो आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन मिल सकता है रीजनिंग में। अट्ठाईस 22। और 22, एक हाँ ए ऑप्शन ये ऑप्शन ठीक है, और कोई बताइए, टोटल कितने हैं? 37। देखो क्या बोलते हैं, कतार में राधा और सरोज, राधा का 10वां स्थान है, मतलब यहाँ पे राधा बैठी होती है मान लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा स्थान है इसका? 10th है। कहाँ से काउंट हो रही है? इधर से काउंटिंग हो रही है। ठीक है, मतलब 9 लोग इसके यहाँ पे बैठे होंगे, तो राधा है। और राधा की अगर मैं बात करता हूँ, तो 10 यहाँ पे हो चुके हैं, राधा के लिए यहाँ पे कितने बचेंगे? 36 लोग यहाँ पे और बैठे राधा के लिए। ठीक है, ठीक है, राधा के लिए 36 यहाँ पे बचे हुए हैं अभी, है ना, टोटल 37 है। अब देखो, और सरोज का स्थान क्रमशः 16वां है, तो 16वां यहाँ पे सरोज बैठी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो सरोज के इधर कितने लोग बच जाएंगे बताओ?
बस यहाँ पे 11 लोग और बैठे हुए हैं, ठीक है। सरोज के लिए बात करें तो यहाँ पे 11 लोग और बैठे हुए हैं। तो अब पीछे से काम करना है आपको, अंतिम शोर से। तो जो 11 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो सरोज का स्थान पीछे से कौन सा हो उसको जाएगा? ये 12वां हो जाएगा, ठीक है। राधा बारवा की बात करोगे तो राधा की इधर की 10 हो गया है, तो 36, यहाँ पे 26 आएगा, सॉरी 10 और 26 36। तो राधा की अगर बात करोगे तो पीछे 26 है, यहाँ पे 27 होगा, यहाँ पे 10 और 27 टोटल 37 होगा। तो 27 लोग उसके और बचे हुए हैं, और यहाँ जब इसका नंबर देखेंगे तो ये कितने नंबर पे आएगी पीछे से? 28वां, 28 28 और नंबर 22, ठीक है। 28 बारवा नहीं है, कितने हैं? 16 है ना, तो 16 का 26 यहाँ पे, सॉरी 21 होगा, तभी तो ये 22 आएगा। 16 और 21 को जोड़ेंगे तो 21 टोटल 37 आ जाएगा, 21 उधर से आएगा, तो ये 22वां नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। काउंटिंग करने में मिस्टेक हो गया था, आपने जो बताया वो राइट आंसर है, 28 और 22। तो भी कुछ समझ में आ रहा है कैसे नंबरिंग हो रही है? तो बताऊं क्या? जी सर, एक बार और। एक बार और बताते हैं, पूरा रेड कलर में हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। देखो फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम में दूसरे कलर में बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा नंबर को थोड़ा जोड़ना बस पड़ता है और कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ से पूरा थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे कितने लोग टोटल मिलाकर के 37 लोग हैं, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 37 लोग हैं। लाइन सब लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है। राधा की बात करते हैं तो 10वां स्थान है इसका प्रारंभ से, यहाँ पे की गिन लोग मान लेते हैं राधा यहाँ पे बैठी है। राधा का कौन सा नंबर है? 10वां नंबर है, ठीक है। तो ये समझो आप, इधर उसके कितने लोग बैठे? 9 लोग बैठे हुए हैं, तभी तो उसका स्थान 10वां रहेगा। अब 10 यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे कितने लोग बचे हैं उसके, ठीक है। कितने लोग बचे हैं? 10 यहाँ तक हो चुका है, टोटल 37 लोग हैं। कितने लोग बचे हैं? 27 लोग यहाँ बचे हुए हैं ना उसके सामने में, और तभी तो 37 होंगे टोटल। राधा के सामने कितने बचे हुए हैं? 27 लोग। तो राधा का पीछे से नंबर काउंट करोगे तो 27वां, और ये एक बैठी हुई राधा यहाँ पे, तो राधा का क्रम कितना आ गया? 28वां आ गया। पीछे से काउंट कर लिए हम लोग, यहाँ से काउंटिंग कर लिए, ठीक है। तो 28वां आ गया। देखो 28वां इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, तो हमको सरोज का क्रम निकालना पड़ेगा। सरोज का स्थान क्रम से 16वां है, यहाँ से काउंट करते हैं सरोज के लिए। सरोज कौन से नंबर पर बैठी हुई? सरोज बैठी हुई 16वें नंबर पे, ठीक है। तो मतलब टोटल कितने हैं? 37 लोग हैं। 16वां नंबर सरोज का है, तो इधर आगे कितने लोग बैठे हैं? 16, 10, 26, 10, 36, मतलब यहाँ पे 21 लोग और बैठे हैं सरोज के आगे, है ना। यही तो बात होगी ना, अगर ये 16वां नंबर इधर से है, टोटल 37 है, तो कितने बच गए? 21 बच गए, तो 21 बैठे हुए हैं। अब पीछे से नंबरिंग काउंट करोगे तो 21 के बाद इसका नंबर कौन सा आएगा? 22वां आया कि नहीं आएगा? सरोज का नंबर तो 22वां आएगा, ना कि 20वां। पहला वाला क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अभी समझ में आया? थोड़ा सा टोटल लोगों की संख्या बस निकालनी है, और यहाँ से इतना नंबर है तो पीछे से उसको काउंट कर लेना है, जितने बचे उस पे प्लस वन जोड़ देना है आपको, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए। एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से 18वां है, ठीक है, और श्याम का स्थान दाएं से, बाएं मतलब क्या होता है, ये लेफ्ट साइड है, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, लेफ्ट से 18th रैंक है, ठीक है। 18th रैंक है उसका, ठीक है, राम का, और श्याम का दाएं से मतलब राइट से 14वां स्थान है, वो लोग बैठे हुए हैं। यदि ये दोनों मित्र आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब जहां पे राम बैठा था वहां पे श्याम चला गया और श्याम की जगह में राम आ गया, ठीक है। तो आपको प्रश्न में ये बताना है कि, एक मिनट, हाँ, तो आपको यह बताना है कि राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। देखो राम का स्थान बाएं से ही दिया हुआ है, 18वां है अभी, लेकिन जब वो आपस में स्थान बदल लेंगे तो उसका कौन सा स्थान हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर इंटरचेंज कर लीजिए, फिर आप दो व्यक्ति जितने बैठे रहे समझ सत्रह में आ जाएगा। सत्रह 17, सत्रह 17, 16 भी आ रहा है आंसर में, 17 भी आ रहा है। तो 16, 17, 18 में फंस रहे होंगे आप लोग, कोई और बताएगा तो उसका 18 भी आ जाएगा।
और कोई कुछ बताया कंफर्म? चलो देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड रहेगा और ये हमारा राइट साइड रहेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे हम लोग, जैसे हम लोग प्रश्न में बोलते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है। कल हनुमान जन्मोत्सव है, बाल बुद्धि विद्या, ठीक है। यहाँ बुद्धि की जरूरत है आपको, विद्या तो आपको आएगी धीरे धीरे, ठीक है। बुद्धि कैसे लगाना है? राम का स्थान 22-18 है, तो हम राम की बात करते हैं, मान लेते हैं 22 है, मतलब लेफ्ट साइड से, ये 18th रैंक है इसका, ठीक है, लेफ्ट साइड से ना, इधर से। तो इसके पहले कितने लोग बैठे हैं याद रखना, ये मैं बार बार लिखता हूँ ना कि पहले कितने बैठे हैं, 17 लोग इसके इधर से बैठे हुए हैं और इसका 18वां रैंक है, ठीक है। तो राम की तरफ कितने लोग बैठे हुए याद रखना, 18वां है, तो 18 में कितना जोड़ोगे आप, 12 जोड़ दोगे तो पूरा 30 हो जाएगा ना, तो 12 लोग बस यहाँ बैठे हुए राम के सामने, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और जो श्याम है, ठीक है, श्याम वो दाएं स्थान से 14वां नंबर है। दाएं मतलब यह है दाया, आपका राइट साइड है, दाएं स्थान से 14वां बैठा हुआ है, मतलब मान लीजिए यहाँ कहीं बैठा है, मान लेते हैं अभी वो 14वां है, कौन है ये? श्याम, ठीक है। 14वां है मतलब इसके इधर 13 लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, 13 लोग बैठे हुए हैं, और ये 14 है, 30 में 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा? राम के इधर कितने लोग बैठे हुए, पूरा यहाँ तक 16 लोग बैठे हुए, कितने हैं? 16 लोग, ठीक है। हो सकता है श्याम उठ के यहाँ पे चला गया होगा, इसके इस पार आ गया होगा, लेकिन अभी हम लोग देखो 16 लोग बैठे यहाँ पे, 17 लोग बैठे, श्याम निश्चित बात है यहाँ कहीं आ गया होगा, अभी हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको नहीं लेंगे हम लोग, अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसको आप समझिए, उधर से कितने लोग बैठे हुए श्याम के, दोनों की स्थिति आपको मालूम चल गई है। अब प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न प्रश्न ये बोल रहा है कि दोनों मित्र परस्पर आपस में स्थान बदल लेते हैं, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? राम, और यहाँ बैठा हुआ है श्याम, ठीक है। तो राम उठ करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे अब राम बैठ गया है ये वाले स्थान पर, ध्यान देंगे। पूछ रहा है बाएं से कौन सा स्थान होगा, बाएं से, देखो बाएं में से कितने लोग बैठे हुए हैं इसके स्थान में, 16 लोग बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, यहाँ पे हम लोग पहले ही निकाल के रखेंगे, हम लोग अगर शाम की स्थिति देखेंगे तो उसके बाएं से कितने लोग बैठे हुए हैं, 16 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हमको कुछ गिनने की जरूरत नहीं, हम राम अगर यहाँ पे आके बैठ जाए या श्याम आके बैठ जाए, बाएं से वो 16वां लोग बैठ 16 लोग बैठे हुए हैं, और उसका स्थान कितना हो जाएगा? 17वां। ये आपका राइट आंसर, समझ में आया डायग्राम बनाने का क्या फायदा होता है? आप दोनों को उसकी उसके जगह पे बैठा लो, उसके आगे और पीछे कितने कितने लोग बैठे हैं उसको टोटल में से घटा करके देख लीजिए, ठीक है, और घटा के देखने के बाद उनका अगर स्थान इंटरचेंज भी हो जाएगा तो आपको तो पता है किस स्थान के पहले कितने लोग हैं और किस स्थान के बाद में कितने लोग हैं, ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए भाई, पूछने के समय आप माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक नहीं है सर, नहीं सर, है। तो ये जो मेरा मेथड था इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जब ऐसा आए तो उसमें +1 कर दीजिए, ऐसा आए तो +2 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, तो बुक में मेथड बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार से आप चलते हैं तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स उतना रटने का चीज नहीं है, रटना है तो आप GS रटिए, इंग्लिश हिंदी को रटिए, है ना, मैथ्स में बहुत कम रटना पड़ता है, जो फॉर्मूले होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, रटना किस में पड़ेगा आपको, मेंसुरेशन में, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, वो लोग का फॉर्मूला कैसे निकलता है, ये सब रटने का विषय है, ठीक है, रीजनिंग में बहुत तरह नहीं रटना है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे रैंकिंग संबंधित, इस प्रकार के और भी टॉपिक आपको बुक में दिए होंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और टॉपिक का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो क्या है, घन और पासा, आप लोगों ने देखा होगा, घन को देखा होगा, एक क्यूब आता है, वो खेलने वाला भी आता है ना, उसके चारों फेस में अलग अलग कलर रहते हैं, उसको मिलाना पड़ता है, वो बिगड़ जाता है, उसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, घन और पासा, तो बेसिक क्या होता है बता देता हूँ, उसका क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपका जो 11वां नंबर का पॉइंट है आपके रीजनिंग के सिलेबस में, उसमें डेटा पर्याप्तता लिखी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है घन और डाइस, एक्चुअली घन होता है क्यूब, ठीक है, और डाइस, डाइस मतलब क्या होता है, ये जो ये बनता है ना आपका, किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से, ठीक है, ये देखें कि नहीं देखें आप लोग, डाइस 6 अंक रहेंगे, कहीं पे 4 अंक रहेंगे, कहीं ठीक है 2 अंक देखें रहेंगे, सर, कहीं पे कुछ लूडो एक रहेगा, लूडो लूडो हाँ, तो पासा इसमें सर।
इसको डाइस बोलते हैं, हाँ हिंदी में पासा बोलते हैं। तो आप सांप सीढ़ी खेले होंगे, अभी सर। लूडो वाला गेम भयंकर चल रहा था किसमें, कोरोना काल में सब जन लूडो ही खेल रहे थे, ठीक है, जोड़ जी सर, जोड़ के लूडो ही ऑनलाइन खेल रहे थे। तो वैसा भी आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, ये इससे संबंधित पूछेंगे, इस फलक के पीछे कौन सा है, उस फलक के पीछे कौन सा, यहाँ से वो वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्यूब से आपको प्रश्न, हम लोग घन पढ़ेंगे, वो वाले घन में प्रश्न पूछता है कि इसका क्षेत्रफल वगैरह पूछता है, या तो लाल रंग कर दिया गया है, पीला रंग कर दिया गया है, तो कितने लाल वाले हैं कितने पीले वाले हैं, ऐसा पूछा जाता है प्रश्न, व्यापम में आता ही है, ठीक है। अंक गणितीय संचालन लिखा हुआ है आदि करके ना, तो अंक गणितीय संचालन मतलब आपको अगर उससे पूछता है मेंसुरेशन वाले टॉपिक से, तो वहां पे घन अलग है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, पासे वाले से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, आते हैं लेकिन इससे क्वेश्चन क्यूब वाले के कम आते हैं। तो दोनों समझ गए ना क्या क्या आकृति है, क्यूब और डाइस, ये आकृति में दोनों समान ही रहते हैं, ठीक है। तो कुछ तत्व देखते हैं हम लोग, किसको कहेंगे घन, देखेंगे यहाँ पर, जिस प्रकार वर्ग में लंबाई तथा चौड़ाई बराबर होती है, उसी प्रकार पासे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, ठीक है। घन मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, मेंसुरेशन का टॉपिक हम लोग वहां से रोक दिए थे, रीजनिंग चालू कर लिए थे, उसको पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि घन या पासा एक वर्गाकार आकृति होती है। आप पूछ सकते हैं घन की आकृति कैसी होती है, वर्गाकार आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, ठीक है। तभी स्टेटमेंट वाले प्रश्न में सब पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे 100 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। देखेंगे घन की एक बार में अधिकतम 3 सतही दिखाई देखी जा सकती हैं, 3 फेस ही अधिकतम देख सकते हो, कैसे 3 फेस दे सकते हो, जो आपको डायग्राम मिलेगा वो इस प्रकार का मिलता है, काजू कतली टाइप का उसमें रहता है, ये इस प्रकार का एक ऐसे बना रहता है ऐसे करके, और एक ऐसे करके ऐसे बना रहता है, ठीक है। एक दो और एक 3 सतह दिखेगी, 3 सतह पीछे की और नीचे की, दो पीछे की और एक नीचे की छुपी रहती है। पूछा जाए अधिकतम कितनी सतह देख सकते हो एक बार में, 3 सतह देख सकते हो पेपर में ना, 2D में डायमेंशन में, 3D में नहीं। एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आप निकालोगे। दो डायग्राम में देखा, यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 4 दिया है, क्या दिया, 6 2 4 दिया हुआ है, बोलेगा 6 के विपरीत कौन सा है, 6 के विपरीत में क्या हो सकता है, 1 3 5 हो सकता है, लेकिन जो उसके साइड में दिख रहा है वो कभी भी उसके विपरीत में नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, इस लाइन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, येलो कलर में है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे जी घन में कुल 6 सतह पृष्ठ या फलक होते हैं, 6 सतह पृष्ठ फलक कैसे होते हैं, देखो घन इस प्रकार का होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे इसका डायग्राम होगा, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, इस प्रकार से देख के समझेंगे, सारी चीज समझ में आएगी आपको। घन में कितनी सतह होती है, कुल 6 सतह होती है, देखो एक टॉप का है ऊपर का जो आपकी छत हो गई, एक नीचे की हो गई जिस फर्श हो गई, ठीक है, कितना हो गया, 2 हो गया ना, और चारों दीवार आपकी, एक दीवार ये सामने वाली और ये पीछे वाली और ये साइड वाली, 4 दीवार हो गए, आप जिस भी कमरे में बैठे होंगे उसकी 4 दीवारी होगी, एक छत होगी और एक जमीन होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, या तो सतह बोलते हैं, या तो पृष्ठ बोलते हैं, या तो फलक बोलते हैं, याद रखेंगे। और कुल 12 भुजाएं होंगी, 12 भुजाएं समझ लीजिए, जैसे ये भुजा नंबर 1 है, ठीक है, ये भुजा नंबर 2 है, ठीक है, ये भुजा नंबर 3 है, ये भुजा नंबर 4 है, ठीक है, ये 5 है और ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, और ये वाली 11 है, और ये 12 है। भुजाएं मतलब ये जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, इसी को भुजाएं कहते हैं, या कोर कहते हैं, या किनारे भी कहते हैं, ठीक है। और 8 शीर्ष बोलेगा या कोने होते हैं, किनारे अलग है ना, किनारे मतलब ये कोंटा मत समझ लीजिए, इसको कोने कहते हैं, ठीक है, ये कोना है। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, ठीक है, बिंदु बिंदु गिनेंगे आप लोग, 4 कोने ऊपर ही मिलेंगे आपको जहां छत आपकी जुड़ी रहेगी, और 4 कोने आपको नीचे मिलेंगे जहां पे आपकी जमीन जुड़ी रहेगी, ठीक है। तो इस फैक्ट को याद रखना, कुल 6 सतह होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं, और 8 कोने होते हैं, इसकी बात हो रही है ये घन की, यहाँ पे लिखा है एक घन में, एक घन में, एक घन, तो घन समझ में आपको, ये शीर्ष या कोने हैं आपके, ये भुजा कोर किनारे हैं। घन के क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले पासा पढ़ते हैं, ठीक है, पासा को थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। तो पासे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक मानक पासा होता है, ठीक, पासा जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ पासा का ऐसे करके, ये पासा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, ये हमारा पासा है, ठीक है। अब देखो मानक पासा क्या होता है, पूरा डेफिनेशन मैं आपको लिख के दूंगा, क्लास होने के बाद पीडीएफ सभी को मिल जाता है वाला पीडीएफ, तो एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से, ठीक है।
यदि किसी घन की कोई भी दो सतह का योग 7 नहीं हो तो वह घन मानक घन स्टैंडर्ड क्यूब कहलाता है। ठीक है, कोई भी दो घन के सतह का योग 7 नहीं हो तो घन कैसे कहलाएगा? स्टैंडर्ड क्यूब कहलाता है। इस प्रकार के घन में विपरीत अंक निश्चित होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। जो आपका मानक पासा रहेगा वो 6 के पीछे में हमेशा 1 आएगा, ठीक है, 2 के पीछे में हमेशा 5 आएगा, या 5 के पीछे में 2 आएगा, और 3 के पीछे में 4 आएगा। मतलब मानक पासा मतलब आप जो पासा खेलते हैं जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें विपरीत सतह को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आता है? 7 ही आता है। तो इस मानक प्रश्न के आपको प्रश्न कम मानक पासा के जो तो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में देखने के नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तो पहले से ही पता रहता है ना कि 6 के पीछे 1 है, 2 के पीछे 5 है। तो ये क्या स्टैंडर्डाइज है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टैंडर्डाइज। तो इसके प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपको फलक देख के समझ में आता है कि स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया मानक पासा क्या होता है? हाँ जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊं, चलो एक डायग्राम जी बनाता हूँ, इसमें कुछ अंक लिखता हूं मैं, जैसे कि 6 लिख दिया, 1 लिख दिया और 4 लिख दिया। बताओ ये मानक पासा है कि नहीं है? ये मानक पासा है कि नहीं है? नहीं नहीं है, है सर। नहीं है। ठीक है, देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट लागू हो रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है? मानक पासा में विपरीत सतह का योगफल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, 6 के विपरीत में 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 के विपरीत में अगर 1 होता तो 1 हमको दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता। कैसे नहीं दिखाई देता? अभी तो मैं आपको यह कॉन्सेप्ट बताया था। कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था? ये वाला देखेंगे, यहाँ पर ये वाला। एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। यहाँ पे 6 और 1 साथ दिखाई दे रहे हैं ना? ठीक है, मैंने लिख दिया 6 और 1, तो ये आजू बाजू में है, तो आजू बाजू का योग अगर 7 आ रहा है तो पीछे का योग 7 नहीं आ रहा होगा। मतलब ये एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये गैर मानक पासा है। गैर मानक पासा में आप कुछ भी नहीं बता सकते कि 6 के पीछे 5 लिख दिया होगा कि 2 लिख दिया होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आजू बाजू को जोड़ने से हम लोग को 7 मिल जा रहा है, समझ जाना वो स्टैंडर्डाइज नहीं। चलिए अब जब साधारण पासा, किसी भी पासे की कोई भी दो सतहों का योग 7 हो तो ऐसा पासा सामान्य पासा कहलाता है। नॉन स्टैंडर्डाइज आप बोल सकते हैं, साधारण पासा है, कोई भी बना सकता है इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 6 और 1 बाजू में ही 7 मिल गया ना आपको। ये मानक पासा है क्या? नहीं, ये साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण, जो मैंने आप लोग को ही बना के बताया था। ठीक है, क्या होता है, इस प्रारूप में आधार पर किसी भी सतह पर अंकित अंकों के विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग क्या होगा, इसकी निश्चित जानकारी नहीं दी जा सकती। यही तो प्रश्न पूछेगा आपसे, जिसकी जानकारी आपको नहीं दे पाओगे उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। किसी भी दिए गए घन में दो सतहों का योग करने पर योग 7 प्राप्त हो रहा है, अतः यह एक सामान्य पासा होगा, मतलब मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, मानक पासा यह नहीं होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, मानक पासा क्या है और सामान्य पासा क्या है? देखो अगर आजू बाजू को जोड़े कहीं जी सर। पर भी 7 आया, मतलब वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, मतलब उससे आप नहीं खेल सकते हो। आप खेलने वाले पासे में देखना 6 के पीछे में 1 लिखा रहता है। ठीक है, दीपेश कुमार जी रात में कहाँ घूम रहे हैं, बाहर? दीपेश कुमार जी बाहर घूम रहे हैं रात में, वीडियो ऑन करके हैं, मैं तो देख लिया आपको। हनुमान जयंती की तैयारी कर रहे हैं लग रहा है आप। वो आज भी नहीं सुन रहे हैं, वो डीजे वीजे सुन रहे हैं, माइक ऑफ करके है ना। चलो विपरीत सतह ज्ञात करना, ठीक है, और माइक खोलेंगे भी नहीं क्योंकि वहां पे साउंड वगैरह बज रहा होगा। दीपेश कुमार जी घूम रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जब केवल एक घन दिया हो विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए, तो देखो विपरीत सतह ज्ञात करना है, यहाँ पे बताओ 2 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे क्या होगा और 1 के पीछे क्या होगा? 2 के पीछे 5, 1 के पीछे 6, 4 के पीछे 2, वेरी गुड, बहुत सुंदर, क्योंकि तीन तीन ये तीन स्टैंडर्ड डाइज है आपका। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है? स्टैंडर्ड दिख रहा है, मानक पासा दिख रहा है, क्योंकि हमको किसी भी विपरीत सतह को जोड़ने पर हमको 7 प्राप्त
नहीं हो रहा है। 2 और 1 3 होता है, 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, और 4 2 6 होता है। 7 मिला क्या? नहीं मिला। तो आप समझ जाओ कि 6 के पीछे डेफिनेटली 1 लिखा हुआ है और 1 के पीछे 6 लिखा हुआ है, 2 के पीछे 5 लिखा हुआ है, 5 के पीछे 2 लिखा हुआ है, 3 के पीछे 4 लिखा हुआ है, 4 के पीछे 3 लिखा हुआ है। समझ में आया? ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको गैर मानक पासा और मानक पासा सभी के क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, और कल हम लोग पासा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो तब तक आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, मानक पासा गैर मानक पासा जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और पुराने आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे आप लोग इसके पहले के, जो हम लोग कल के छूटे हुए थे इसी पीडीएफ में? जी देखो सर बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं छोड़ा हुआ, देखो ये क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है, ये देखो ये भी क्वेश्चन है छूटे हुए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन यहाँ तक हम लोगों ने कल किए थे, बाकी छूटे हुए सब आपको करना है, प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है, क्योंकि क्लास में नहीं करवा सकते, सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है अपने, है ना। सर ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मतलब परसों मिलेंगे, कल आपका अवकाश रहेगा। ठीक है, भंडारा वंडारा भगवान की पूजा उदा भी करिए थोड़ा सा। ठीक है, जी, चलिए, जय नमस्कार, जय हिंद हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सर।